हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्लड ग्रुप। आप लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप है वो फोर टाइप्स के होते हैं, ए बी एंड ओ। तो आज जो हमारा पूरा फोकस रहेगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप के ऊपर फोकस रहेगा, उसके इनहेरिटेंस पे फोकस रहेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन से एंटीजन उनको कोड करते हैं। और इसके अलावा आपने और भी सुना होगा ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो आज ब्लड ग्रुप के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, विच इज सेड टू बी आरएच फैक्टर, जो आपके लिए न्यू है। वैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप तो आप 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहला, ब्लड ग्रुप होता क्या है और कौन इसको कोड करते हैं और ये कैसा ट्रेट है, किस तरह का इनहेरिटेंस ये फॉलो करता है। तो फर्स्ट कम ओवर ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप एंड देयर डिस्कवरी, किसने इनकी डिस्कवरी की थी। तो एबीओ ब्लड ग्रुप, ABO include three blood groups A, B and O. ABO blood group discovered by Landsteiner in 1900. Next, AB blood group, which is also said to be co-dominant phenomena in human being, जो हम डिस्कस करेंगे प्लस टू क्लास में। तो ए बी ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टिलो एंड स्टीनी, कुछ बुक में स्टोरली भी दिया हुआ है तो कन्फ्यूज मत होना, इन 1902। Whereas RH factor जो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले तो हम ब्लड ग्रुप डिस्कस करेंगे। दिस RH factor first discovered in rhesus monkey. Here RH stand for rhesus. तो RH factor first discovered in rhesus monkey. बहुत टाइप के मंकी होते हैं, आपने सुना भी होगा रीसेस, मकाओ और अलग अलग टाइप के। तो ये सबसे पहले फैक्टर किस में डिस्कवर्ड किया गया था, रीसेस मंकी में। तो इट इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रीसेस मंकी वाया लैंडस्टीनर एंड वीनर इन 1940। ये इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी पूछी जाती है, आपका निट स्पेशल हम कह सकते हैं इसको, निट के लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, तो डिस्कवरी पे भी फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट कम ओवर ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम विच इज़ कोडेड बाय थ्री एलील। तो ये कैसा फिनोमिना है या ब्लड ग्रुप किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड ओवर ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिंपली कहती हूँ मैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स डिपेंड ओवर प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन्स विच इज टेक्निकली सेड टू बी ए ग्लूटिनोजन। कन्फ्यूज मत होना, बायोलॉजिकल टर्म में हम एंटीजन्स के लिए टर्म यूज़ करते हैं, ए ग्लूटिनोजन स्पेशली उन एंटीजन्स के लिए यूज़ किया जाता है जो ह्यूमन आरबीसी पे लोकेटेड है। नॉर्मली कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहा है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एंटीजन। बट द एंटीजन प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ आरबीसी, देन वी यूज टर्म ए ग्लूटिनोजन। तो हेयर टर्म ए ग्लूटिनोजन इज यूज फॉर स्पेसिफिक एंटीजन विच इज लोकेटेड ओवर द मैमब्रेन ऑफ आरबीसी, दैट इज डोनान्स मैमब्रेन। तो डिपेंड ओवर प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड ब्लड प्लाज्मा और सीरम और कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज या एंटीबॉडी अगेंस्ट, हेयर वी यूज ए ग्लूटिनोजन और ए ग्लूटिन। Here the antibody present in blood plasma or serum. What is difference between plasma and serum here? The liquid matrix of blood is said to be plasma. If
क्लॉटिंग फैक्टर और क्लॉटिंग प्रोटीन्स लाइक फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन इज डिस्कार्डेड और एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम प्लाज्मा देन इट इज सेड टू बी सीरम. तो सीरम हैविंग नो टेंडेंसी ऑफ ब्लड क्वाइगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग. तो सीरम का मेन रोल क्या है बेटा, इट इज रिच इन एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड प्रोवाइड मेनली इम्यूनिटी. तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको. प्लाज्मा इज द टोटल लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड एंड इफ इट इफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट और ऑल प्रोटीन्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर एक्सट्रैक्टेड आउट देन वी यूज टर्म सीरम. तो इट प्लाज्मा और सीरम कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी विच इज सेड टू बी ए ग्लूटिन. तो फर्स्ट कम ओवर कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और ब्लड ग्रुप कैसा ट्रेट है. तो नेक्स्ट कम ओवर टाइप ऑफ ट्रेट, ब्लड ग्रुप कैसा ट्रेट है बेटा. तो राइट डाउन हेयर ह्यूमन ब्लड ग्रुप is very good example of multiple allelism. What do you mean by multiple allelism? ये term आपने वैसे थोड़ा बहुत मे बी 10th में सुना हो लेकिन मैं आपको explain कर दूँ कि normally हमारी body में कोई भी trait होता है उसको कौन carry out करते हैं, gene, and each gene consists of two allele. जैसे आपने 10th में पढ़ा कि in pea plant tallness is coded by capital T और capital T small t, whereas dwarfness is coded by small t. तो each gene consists of two allele, but the blood group is a specific trait which is controlled by three allele, more than two allele इसको control कर रहे हैं, that's why this trait is said to be multiple allelic trait. तो blood group is good example of multiple allelism, means it is a genetical phenomena, या हम कहें कि blood group is coded by, human blood group is coded by three alleles. क्या हैं उन एलिज के नेम, आई ए, आई बी, आई नॉट. कुछ बुक में आई नॉट को आई जीरो जिसको बोलते हैं, आई नॉट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल आई ऑल्सो. तो आप कंफ्यूज मत होना, ये तीन एलील हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप को कोड करते हैं, आई ए, आई बी, आई नॉट. अब कैसे कोड करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं हम. तो दिस आई ए, ईच इंडिविजुअल consist of two alleles which code for specific antigen which is said to be a glutenogen over the membrane or surface of RBC, erythrocyte. Clear? तो ये तो थी हमारी सिंपली कि जो RBC मेम्ब्रेन है उसके ऊपर किस तरह का एंटीजन होगा वही हमारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है. तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि येट ह्यूमन RBC कंसिस्ट ऑफ मोर देन 30 एंटीजन्स, लेकिन हम मेनली किस एंटीजन को कंसिडर करते हैं हेयर. इफ़ एंटीजन ए इज प्रेजेंट देन द ब्लड ग्रुप इज ए, इफ द एंटीजन बी इज प्रेजेंट देन द ब्लड ग्रुप इज बी, इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट देन द ब्लड ग्रुप इज ए बी, एंड इफ देर इज नो और निल एंटीजन ओवर द सर्फेस ऑफ RBC देन द ब्लड ग्रुप इज सेड टू बी ओ. अब बात आती है कि 30 एंटीजन्स हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो मैं कल आपको टॉपिक कराऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट कि What do you mean by incompatibility? कि जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है, सपोज पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया और ब्लीडिंग टेक प्लेस और एनी एक्सीडेंटल केसेस या सर्जरी केसेस जिसको डोनर जो ब्लड दे रहा है रेसिपियंट को जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो उस केस में ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग की जाती है और मेनली किस ब्लड ग्रुप को कंसिडर किया जाता है, ABO को. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस पे ए ही एंटीजन है, देर आर मोर देन 30 एंटीजन, लेकिन मेनली हम किसको कंसीडर करते हैं, ए बी एंटीजन्स को. तो नेक्स्ट कम ओवर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ओवर द सरफेस ऑफ एरिथ्रोसाइट. तो नेक्स्ट सबसे पहले आ जाते हैं ब्लड ग्रुप ए. ब्लड ग्रुप ए, what are the possible genetic makeup of individual having blood group A is here. IA
बोथ आर डोमिनेंट एलील IA-IA एंड IA-I0। मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों एलील सेम होते हैं देन द जीन इज सेड टू बी होमोजाइगस एंड इफ द एलील्स आर डिफरेंट देन द कंडीशन इज सेड टू बी हिटरोजाइगस। तो ईदर द इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और हिटरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन बोथ कोड फॉर ब्लड ग्रुप ए। दोनों ही किस ब्लड ग्रुप को कोड करते हैं बेटा? ए। तो दिस इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग ब्लड ग्रुप ए। तो नेक्स्ट कम ओवर सरफेस ऑफ RBC कि उसके RBC के सरफेस पे दिस इज RBC विच इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा हैविंग एंटीजन ए एंटीजन which is also said to be agglutinogen here and their plasma consists of, अब आपको पता ही होगा कि A antigen है, इसका मतलब A इसका कैसा है बेटा? Self antigen है, खुद के surface पे present है A antigen। तो अब बात आती है कि A antigen present है तो A वाले को तो ये reject नहीं करेगा, यदि blood group A है किसी recipient का और उसको हम blood group A दे रहे हैं तो वो reject नहीं करता, self को reject नहीं करता। तो their plasma consists of एंटीबॉडी बी। यहाँ पे ध्यान से सुने, द सर्फेस ऑफ RBC कंसिस्ट ऑफ ए एंटीजन एंड देयर ब्लड सीरम कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडी बी बिकॉज हेयर ए इज सेड टू बी सेल्फ एंटीजन विच इज लोकेटेड ओवर द सर्फेस ऑफ RBC। तो जो ब्लड ग्रुप जिसका ए है उसके RBC पे कौन सा एंटीजन है बेटा? ए। और उसके प्लाज्मा में सीरम में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है? एंटीबॉडी बी विच इज सिंपली रिप्रेजेंट बाय NTB। बार बार हम एंटीबॉडी बी नहीं लिखेंगे, सीधा हम लिखेंगे NTB। नेक्स्ट कम ओवर सेकेंड ब्लड ग्रुप दैट इज बी ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बी। नेक्स्ट कम ओवर ब्लड ग्रुप बी कि व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ दिस इंडिविजुअल, किस जेनेटिक मेकअप वाले इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी होगा? तो अगेन हेयर IB-IB बोथ आर डोमिनेंट एलील दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन एंड IB-I0 विच इज हिट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, बोथ दीज एलील फॉर्म बी एंटीजन एंड इफ बी एंटीजन इज प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ RBC देन द ब्लड ग्रुप इज सेड टू बी बी ब्लड ग्रुप। तो नेक्स्ट कम ओवर देयर RBC मैम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बी एंटीजन, हेयर एंटीजन इज रिप्रेजेंट बाय कैप्स लॉक और कैपिटल अल्फाबेट वेयर एज एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल अल्फाबेट। इफ बी इज सेल्फ एंटीजन मतलब बी ब्लड ग्रुप को तो ये रिजेक्ट नहीं करेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये किसको रिजेक्ट करेगा बेटा? ब्लड ग्रुप ए को। दैट मीन्स देयर प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ दिस बी एरिथ्रोसाइट आर इन ब्लड प्लाज्मा एंड दिस ब्लड सीरम और ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडी ए, एंटी हेयर रिप्रेजेंट एंटीबॉडी। तो कन्फ्यूज मत होना, NTB स्टैंड फॉर एंटीबॉडी बी, NTA स्टैंड फॉर एंटीबॉडी ए। तो प्लाज्मा सीरम में कैसा एंटीबॉडी है? अपोजिट। एंटीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से। और एंटीबॉडी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल अल्फाबेट से। नेक्स्ट कम ओवर थर्ड ब्लड ग्रुप दैट इज ब्लड ग्रुप AB। दिस ब्लड ग्रुप इज कोडेड बाय अ स्पेसिफिक जीनोटाइप दैट इज IA एंड IB। दिस IA इज डोमिनेंट एलील एंड IB इज अगेन डोमिनेंट एलील, बोथ कोड दिस कोड फॉर A एंटीजन, दिस कोड फॉर B एंटीजन, हेयर कोड फॉर। इसका मतलब दोनों जो डोमिनेंट एलील हैं वो इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं लीड टू अपीयरेंस ऑफ AB ब्लड ग्रुप इन इंडिविजुअल एंड दैट्स व्हाई दिस ब्लड ग्रुप इज सेड टू बी कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस मीन्स बोथ एलील इक्वली एक्सप्रेस एंड बोथ कोड फॉर स्पेसिफिक एंटीजन विच इज लोकेटेड ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ RBC एंड दिस कोड फॉर AB ब्लड ग्रुप। Here both antigen A antigen that is glutinogen and B antigen, both antigen is present and this plasma, अब इसमें आप ध्यान से देखें, here A antigen is also self and B antigen is also self, self का मतलब है कि उसके RBC के membrane पे है, तो इसके plasma में there is no antibody, there is no or nil antibody in their blood serum,
nil antibody in their blood serum. मतलब जो मर्जी ब्लड ग्रुप इनको आप दे दो, ये किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज देर इज एब्सेंस ऑफ एंटी nil और नो एंटी ए एंड एंटी बी इन ब्लड सीरम. देर इज नो एंटीबॉडी इन देयर ब्लड प्लाज्मा. जब एंटीबॉडी ही नहीं है तो जो मर्जी आप इसको ब्लड देते जाओ, ये किसी भी तरह के ब्लड को रिसीव कर पाएगा. देर इज नो इनकॉम्पिटिबिलिटी, देर इज नो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन. दैट्स वाई दिस इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिसेप्टर. दैट्स वाई दिस ब्लड ग्रुप इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिसेप्टर. क्लियर. नेक्स्ट कम ओवर फोर्थ ब्लड ग्रुप ओ, एंड दिस ब्लड ग्रुप ओ इज कोडेड बाय रेसेसिव एलील. हेयर इट इज कोडेड बाय रेसेसिव एलील, और इंडिविजुअल हैविंग रेसेसिव एलील विच एग्जिस्ट इन होमोजाइगस कंडीशन. दिस रेसेसिव एलील डजंट कोड फॉर एनी टाइप ऑफ एंटीजन. इफ देर इज नो, देर इज एब्सेंस ऑफ एंटीजन ओवर द सर्फेस ऑफ आरबीसी, देन द ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन इज सेड टू बी ओ. तो दिस इज सर्फेस ऑफ आरबीसी, देर इज निल एंटीजन, निल और नो एंटीजन, एंटीजन which is simply represented by AG. Antigen is represented by AG. Nil or no antigen over Dunant's membrane. Then the blood group of person is said to be O blood group. But if there is no antigen, ab is person ko defense chahiye, to their plasma consists of both type of antibody in their blood serum, having both antibody, both anti-A and anti-B is present in blood serum. तो हैंस देर इज एब्सेंस ऑफ एंटीजन ओवर द सर्फेस ऑफ आरबी और डोनान्स मेम्ब्रेन. कोई एंटीजन ही नहीं है तो जिस मर्जी को आप ब्लड ग्रुप ओ दो, देर इज नो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन. येट देर इज माइल्ड रिएक्शन अकर. मैं कल आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी कि येट ब्लड ग्रुप ओ इज सेड टू बी यूनिवर्सल डोनर, फिर भी वो इनकॉम्पेटिबिलिटी माइल्ड कंडीशन में लीड करता है. तो इसको हम कह सकते हैं इट इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीजन ओवर आरबीसी मेम्ब्रेन. तो आपसे पूछा जाए वाई ब्लड ग्रुप ओ इज सेड टू बी यूनिवर्सल डोनर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीजन, एंड वाई ब्लड ग्रुप ए बी इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिसेप्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ nil antibody in their blood serum. तो अब आपने देखा कि what are the possible combination which lead to four blood group. There is four phenotype here, blood group A, B, AB and O, and there is six genotype. Two genotype code for blood group A, two genotype code for blood group B, one genotype code for blood group AB and one genotype is code for blood group O. तो blood group कैसा trait है बेटा? It is coded by more than two alleles. That's why this is said to be multiple allelic trait and having six genotype and four phenotype. तो ये भी important net special मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप याद कर लीजिएगा. This blood group is multiple allelic trait having four phenotype. Here four phenotype is blood group A, B, AB and O, and which is coded by, or there is six possible genotypes in individual, whether the individual exists in homozygous condition or heterozygous condition. तो ये था हमारा blood group. Next come over RH factor. Now come over recess factor, which is first discovered by Landsteiner and Wiener in 1940 in rhesus monkey. That's why this factor is said to be RH factor. अब बात आती है कि RH factor क्या होते हैं और कौन से जीन इसको कोड करते हैं. जीन इनहेरिटेंस नॉट इन योर सिलेबस, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर निट एस्पेक्ट. दैट्स वाई आई एक्सप्लेन हेयर. तो दिस रिसेस फैक्टर इज कोडेड बाय
आर डोमिनेंट जीन डी. हैंस द इंडिविजुअल हैंस द इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, इधर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और हिट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आर, जिसके अंदर भी डोमिनेंट कंडीशन में है बेटा ये एलील, दैट एलील कोड फॉर आरएच फैक्टर एंड द पर्सन इज आरएच पॉजिटिव. दिस डोमिनेंट कंडीशन कोड फॉर आरएच एंटीजन एंड द पर्सन इज आरएच पॉजिटिव. Here the person is Rh positive, whereas if the individual in homozygous recessive condition, if the individuals with homozygous recessive condition does not code for Rh antigen and the person is said to be Rh negative here, Rh negative. तो जो आप सुनते आते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इट इज़ ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विच एंटीजन ओवर द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन इज Rh. तो अब बात आती है कि जो डोमिनेंट कंडीशन में यदि मदर फादर के अंदर ये जीन प्रेजेंट हैं देन द इंडिविजुअल इज Rh पॉजिटिव एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन रेसेसिव फॉर्म देन द इंडिविजुअल इज Rh नेगेटिव. तो नेक्स्ट कम ओवर कि जैसे हमने पढ़ा कि ब्लड ग्रुप के अंदर यदि एंटीजन है तो उसके अपोजिट क्या प्रेजेंट है उसके प्लाज्मा में, एंटीबॉडी. बट इन केस ऑफ Rh फैक्टर देर इज नो सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब मैं आपको Rh इनकॉम्पेटिबिलिटी एक्सप्लेन करूंगी तो ये पॉइंट वहाँ पे यूज होगा. तो देर इज नो सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट Rh एंटीजन, Rh एंटीजन्स. हैंस इंडिविजुअल लैक Rh anti D in blood serum. Here anti D term क्यों use किया मैंने, हमने इसलिए use किया because this Rh factor is coded by D gene, dominant gene D. तो lack Rh antibody in blood serum or blood plasma. Next come over O positive and negative. थोड़ा सा यहाँ पर concept बता दूँ कि if the person having A antigen, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा A antigen, this is A antigen, along with A antigen there is another antigen that is Rh antigen present. If Rh antigen is present then the blood group is said to be A positive. ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको. अब बात आती है कि हम यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट किसको मानेंगे, ओ पॉजिटिव को, ओ नेगेटिव को या किसको. उससे पहले थोड़ा सा मैं एक फिगर आउट कर दूं कि कितने इंडियन पॉपुलेशन में क्या सर्वे आई है, कितने परसेंट इंडिविजुअल Rh पॉजिटिव हैं. तो इन इंडिया 97% इंडिविजुअल्स आर Rh पॉजिटिव, whereas just 3% is Rh negative here superscript में लिखा जाता है बेटा ये. In world the ratio is just deviated, 80% individuals are Rh positive and 20% individual आर Rh नेगेटिव. यहाँ पे थोड़ा सा आप कहेंगे कि अलग अलग बुक में अलग है. यदि हम अमेरिकन ब्लैक की बात करें तो उनके केस में 85% इज Rh पॉजिटिव एंड 15% आर Rh
नेगेटिव। और यदि हम अफ्रीकन ब्लैक की बात करें, अफ्रीकन ब्लैक निग्रो, निग्रो की बात करें हम, तो उन पॉपुलेशन में देखा गया है कि एवरी इंडिविजुअल दैट इज़ 100% आर आरएच पॉजिटिव। तो आपको ये जो थोड़ा बहुत डेविएशन नज़र आ रही है, यदि वाइट पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पे 80% वाइट पॉपुलेशन की बात करें, वहाँ पे वाइट पॉपुलेशन उनके अंदर देखा गया है 80% आरएच पॉजिटिव एंड 20% आरएच नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा रेशियो वेरी करता रहता है कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। इसके पीछे बेसिक रीज़न है अडेप्टेशन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि हमने कहा ए बी ब्लड ग्रुप हैविंग एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड दैट इज हैविंग RH factor, RH antigen, then the blood group is said to be AB positive. दो चीज बताई मैंने, एक मैंने बताया कि individual having A, B and nil RH antigen, then the person is said to be AB negative. चार केस बता देती हूँ मैं, with no antigen, then the blood group is said to be O, but having RH factor, then the blood group is said to be O positive. Again, surface of RBC with nil RH factor or absence of A and B antigen both, then the blood group is said to be O negative. क्लियर आपको? तो दिस ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज सेड टू बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट वेयर एज हेयर ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, देयर इज प्रेजेंस ऑफ आर एच फैक्टर हेयर, दैट्स व्हाई एंटीजन इज प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ आर बी सी, इट समटाइम जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स इन रेसिपियंट बॉडी, दैट्स व्हाई द ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर हेयर रादर देन ओ पॉजिटिव। तो हेयर दिस यूनिवर्सल डोनर कैटेगरी इज ओ नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि यदि सरफेस पे किसी भी तरह का एंटीजन है तो कहीं ना कहीं वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है एंड ए बी पॉजिटिव इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था ब्लड ग्रुप का। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी, दैट इज़ अराइजिंग टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सेकेंड इन केस ऑफ आर एच फैक्टर, इफ मदर इज़ RH negative and baby's RH positive. Thank you.